तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पेस स्पेशल में ऑपरेशन का क्या यूज है, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में बात करेंगे पेस एज ए फिक्स्चर लिंक को और कितना ज्यादा यूज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले बात जान लीजिए कि पेस एज ए ऑपरेशन क्या है। हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर हम 20 को 30 के ऊपर या कोई भी किसी भी नंबर को कॉपी करके इसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाता है। तो यहां हम रिप्लेस ना करके राइट क्लिक करते हैं पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम यहां पे ऐड करते हैं। तो यहां पे 30 20 को ऐड करके यहां पे आपके सामने 50 आ गया। आ गया सर। तो आखिर इसका यूज क्या है, बेनिफिट क्या है इसका? चलिए इसके बेनिफिट के बारे में हम आपको समझाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि पहले परसेंटेज को समझते हैं, परसेंटेज क्या करता है। अगर आपको अगर यहाँ पे 20% लिखना हो तो आप लिखेंगे 20 और फिर परसेंट का सिंबल, 20 और परसेंट का सिंबल, राइट। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपने यहां पे लिख दिया 20, इसके बाद में इसके परसेंटेज सिंबल अप्लाई करो तो क्या होगा, 2000 बन जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि एक्सेल के अंदर में 1 = 100% होता है, ध्यान रखिएगा 1 = 100%। समझ गया सर, 1 = 100%। तो मतलब मैं यहां पे 2.20 लिखूं और बाद में परसेंटेज लगाऊं तो 20% होगा। मतलब कि अगर परसेंटेज आप टाइप कर रहे हो तो 20% टाइप कर दें। अगर आपने नंबर पहले टाइप किया है, परसेंटेज बाद में लगाना चाहते हैं तो आपको डेसिमल में टाइप रखना होगा, तब 20% आएगा। अब यही पे एक प्रॉब्लम होता था कि हमारे जो कलीग थे, मतलब कि हमारे एक दोस्त थे, वो हमें परसेंटेज का हेडिंग डाल देते थे इस तरह से, और यहाँ रैम बिटवीन की मदद से नंबर देते। यदि अब प्रॉब्लम होता है कि इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, अब मैं एक एक को जाऊं और यहां पे लिखूं 65%, 63%, तो काफी टाइम लगेगा क्या? क्योंकि छोटा डेटा तो है नहीं, मान लीजिए बड़ा डेटा हो। तो उसका सलूशन ये है कि किसी एक सेल पे हम 100 को टाइप करेंगे, फिर इस 100 को कॉपी करेंगे और पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल, और जो कॉपी किया पूरे एरिया को सिलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और फिर इसमें हम करेंगे डिवाइड। ये क्या करेगा, जितना भी सिलेक्टेड नंबर्स हैं सारे नंबर्स को 100 से डिवाइड कर देगा, सारे नंबरों किससे हम डिवाइड कर देगा, 100 से। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने नंबर्स दिख रहा है, अब परसेंटेज का सिंबल ला ली। समझ में आया सुरेंद्र जी एंड सुनील जी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, यस सर। अब इसमें अगर और कोई बात करूं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमारे पास नेम है और यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्सन के नेम डाल देता हूँ और यहाँ प्रोडक्ट के नेम डालता हूँ, ठीक है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये हमारा सेल्स है, ठीक है, और फिर यहाँ राइट क्लिक करके मैं रन बिटवीन लगाता हूँ, लगा दिया सर, ये हमारा हो गया टारगेट, ये हमारा सेल्स हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। अब यहां हमें क्या करना है कि इसको उठा के इस पे पेस्ट करना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमारे सामने आता है डिवाइड। तो क्या होगा कि 83 को 79 से डिवाइड होगा, 43 जो होगा आपका 55, 43 से 76, ऐसे सिक्वेंस में चलेगा, परसेंटेज का सिंबल दे दीजिए। तो सुनील जी, सुरेंद्र जी, आपको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पेज सजे पिक्चर लिंक की। सबसे पहले मैंने बताया था पे सज लिंक, पे सज लिंक क्या होता है, जिसकी कोई रिपोर्ट है, आपके मान लीजिए यही रिपोर्ट है और मैं चाहता हूँ ऐसा ही रिपोर्ट किसी और शीट पे भी होना चाहिए, तो इसको कॉपी कीजिए और किसी और शीट पे जहाँ रिपोर्ट होना चाहिए वहां पे जाइए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पेस्ट एज ए लिंक कर दीजिए। अब वहां जैसे ही चेंज होगा यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ओके। अब पिक्चर लिंक क्या करता था कि अगर मान लीजिए कोई फॉर्मेटेड रिपोर्ट है, जैसे मान लीजिए कि हम फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेटेड रिपोर्ट है, अब मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करके अगर मैं यहां नॉर्मल पेज करना करके मैं पेस्ट इसे पिक्चर करता हूं, तो पिक्चर में जैसे बताया था आपको कि पिक्चर में लिंक नहीं होता है, इसको आप चाहते कि लिंक भी हो जाए, तो उस केस में हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कहते हैं। हुआ? अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, कोई डेटा चेंज होगा, किसी तरह की चेंजिंग होगी, तो यहां भी चेंज हो जाएगा, हो गया। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो क्या एक्सेल पे ही होता है? जैसे कि आप अगर मान लीजिए अपने डेटा को वर्ड पे रखते हैं, तो आप इसको एमएस वर्ड पे भी कर सकते हैं। मैं यहां एमएस वर्ड खोल रहा हूं, मैं पावर पॉइंट भी खोल लेता हूं, और मैं आउटलुक भी खोल लेता हूं। जैसे कि हमने यहां पे अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, तो जैसे आप कोई लेटर बनाते हैं या फिर कुछ ऐसी कवर लेटर बनाते हैं, उसमें एक्सेल का कोई टेबल उसमें वर्ड में पेस्ट होता है, या कोई स्लाइड बनाते हो तो वहां पे पेस्ट होता है। आपके जॉब डेली करना होता है, डेली एक लेटर भेजना होता है, जिसमें उसका एक्सेल का एक पूरा एक डेटा उसमें आता है, तो आप मैनुअल करने के बजाय, कॉपी पेस्ट करने के बजाय एमएस वर्ड में भी जाके कर सकते हैं पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पेस्ट एज ए लिंक, और यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिए एक्सेल फॉर्मेट, ये आपका लिंक हो गया। उसी तरीके से पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं यहां। गलती से नॉर्मल पेस्ट हो गया तो किस तरह का आया, इसी को मैंने पेस्ट इज ए लिंक में ए कर दिया, देखिए इस तरह का आ गया। अब मैं एक्सेल में चेंज करूंगा तो यहां भी चेंज हो गया, चेंज हो गया। अगर चेंज बाय डिफॉल्ट कभी कभी ऐसी नहीं चेंज हुआ, कभी ऐसा होता है चेंज नहीं होता है,
तो राइट क्लिक कीजिए, जस्ट अपडेट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो वर्ड एंड पावर पॉइंट तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका आउटलुक का क्या रोल। तो सुनील जी, सुरेंद्र जी, क्या आप आउटलुक यूज करते हैं? नहीं सर, जीमेल। सुनील जी, आप करते हैं? हेलो, मगर सर पहले किया है मैंने यूज आउटलुक का, मगर अब तो वैसे बेसिकली नहीं करते। जैसे कि हम लोग इसका यूज करते थे, जैसे हमें क्या होता था कि हमें हर आज जब हमारा मंथन स्टार्ट होता था, जैसे आज मंथन है हमारा, तो मंथन स्टार्ट होता था, तो मंथन में क्या होता था कि हम जो है अपनी रिपोर्ट को या एक्सेल सेल्स अपडेट होता था उसको हमें हर घंटे भेजना होता था। मतलब कि मुझे हर घंटे मेल को कंपोज करना होता था फिर भेजना होता है, तो काफी चीजें जॉब होती थी और मेरा जो रिपोर्ट था वो पिवट टेबल से बन के आता था। तो हमने क्या किया था, एक फॉर्मेट बना लिया था। हमने क्या किया था कि एक न्यू मेल क्लिक किया, हमने यहाँ पे डाल दिया कि जिसको भेजना है, सीसी डाल दिया, बीसीसी डाल दिए, यहाँ पे सेल्स अपडेट, सेल्स अपडेट डाल दिया, यहाँ जो लिखना चाहते हो लिख दीजिए कि डियर सर प्लीज फाइंड बिलो सेल्स डिटेल, और यहाँ पे हम नॉर्मल पेस्ट नहीं करते थे, यहाँ पे जाते थे यहीं पे पेस्ट स्पेशल, और हम एक्सेल से आते थे उसको सिलेक्ट करके ओके कर देते थे, और फिर नीचे हम यहाँ रिगार्ड्स देते थे और यहाँ पे हम सब्मिट देते थे। अब मैं इसको डायरेक्ट सेंड नहीं कर दूंगा, अगर डायरेक्ट सेंड कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम में फिर मुझे इतना सब कुछ करना पड़ेगा। हम इस फाइल को सेव एज कर लेते थे, फाइल को सेव है, सेव कहां करते थे, कहीं भी एक लोकेशन में कर ले। और यहां पे देखिए आउटलुक मैसेज फॉर्मेट है ना, इसके जगह पे हम टेम्पलेट लेते थे, आउटलुक टेम्पलेट, और इसको सेव पे क्लिक करते हैं। मैं इसको क्लोज भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे मेल करना होता था तो मैं अपना डेटा अपडेट करता हूँ, अब मैं इसको रेड से येलो कर देता हूँ, कोई भी नॉर्मल नॉट अ फॉर्मेट। आप डेटा भी आपका अपडेट हुआ, पिवट अपडेट कर दिया, डेटा अपडेट हो गया, देखा ये आउटलुक फॉर्मेट है, यस पे क्लिक किया, एक मिनट एक मिनट, ये दूसरा दूसरा है, सियोग बताया था सो है, कहाँ गया थे, डेस्कटॉप पे सेव किया था ना, डॉक्यूमेंट भेज दिए, नहीं तो हाँ, जब हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया तो टेम्पलेट फॉर्मेट में चला गया, माफ कीजिएगा, जब यहाँ हमने यहाँ पे जब टेम्पलेट सेलेक्ट किया ना, फिर सब डेट आ गया ना, ये माइक्रोसॉफ्ट रोमिंग टेम्पलेट इसमें इसमें चला गया है, गलती मैं करता हूँ, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेल्स अपडेट आ गया, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, यस किया, देखिए चेंज है सर। अब मुझे क्या करना है, जस्ट सेंड रिवार्ड। फिर एक घंटे बाद हम अपने एक्सेल को जो है
अपडेट करेंगे। अब इसको हम, मैं देखिए ब्लू कलर कर दिया और इसकी टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ, चेंज किया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, सब कुछ रेडी है, यस पे क्लिक किया, देखा सर, सेंड क्लिक किया, मिला गया, ठीक है, मिला गया आपके सामने, समझे सर? देखिए आ गया, यस सर, यस सर, यस सर। तो इस तरह से हम आउटलुक का इस्तेमाल कर दें। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ चेंज किया, मैंने जिसको मेल किया था उसके यहाँ चेंज हो जाएगा, उसके यहाँ चेंज नहीं होगा, समझ गए? ये आपसे सिर्फ आउटलुक टेम्पलेट को चेंज करेगा, क्योंकि उसका सिस्टम आपका सिस्टम कनेक्टेड तो ही है, तो चेंज हो जाएगा। अब इसी में अगर इसको और एडवांस दिखना चाहे तो एक होता है हमारा पिक्चर लुकअप, क्या होता है पिक्चर लुकअप, लेकिन पिक्चर लुकअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है सर, इसलिए उसकी वीडियोज जो है हम आपको भेज रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, इसको तसल्ली से हम आगे क्लास में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिक्चर लुकअप से मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। तो मैंने आपको जो है एक वीडियो फाइल अभी भेजी है, उसको एक बार देख लीजिएगा।